ये मार्केट का भी जो है बहुत अनस्टेबल है और ब्लफ बहुत चल रहा है इम्पोर्टर्स की वजह से, जो आजकल के हालात हैं डॉलर और एलसी जो ऊपर नहीं हो रही, इस वजह से इम्पोर्टर ने अपने पास माल स्टॉक कर लिया। अच्छा, उसके बाद उसका ब्लफ मतलब डेली बेसिस की बुनियाद के ऊपर 5-5, 6-6 रुपए इंक्रीज हो रहे थे। वो यही था कि माल स्टॉक कर लिया गया था, फिर उसके बाद जो है इम्पोर्टर जो अपने रेटों पर बेच रहे थे। 30 किलो वाट 25 किलो वाट तकरीबन भी लाया कर रहा है, तकरीबन 4,35,000, 4,40,000, 4,35,000। उसके बाद फिर आता है 30 किलो वाट, 5,60,000, 5,55,000 इस तरह से। उसके बाद हमारे पास ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम वारंटी में तो कोई मसला नहीं होता। नहीं, इनके अंदर यार क्लेम्स भी नहीं आते, ये चीज़ ऐसी है कि इनमें क्लेम्स भी नहीं आते। इसके अलावा फिर इनवेरिक्स आता है, जो इनवेरिक्स के इन्वर्टर्स इनवेरिक्स के, ये सबसे बेस्ट चल रहे हैं। 6 किलो वाट है 7,000 रुपीज के अंदर। इसी तरह जो आपकी 2500 है वो तकरीबन चली गई थी तकरीबन 70,000 रुपीज के ऊपर, तो अभी जो है वो नीचे आई है 67 से 61 के ऊपर आई है। और इसी तरह जो आपकी 1800 है वो 52-53 पहले की हम बात करें कि वो 125 रुपए पर वाट के ऊपर पैनल चला गया था। कस्टमर कंफ्यूज हो गया है, बेसिकली ये हुआ है जैसे मार्केट थोड़ा सा अप होना शुरू हो जाती है, कस्टमर फ्लो ज्यादा शुरू हो जाता है, फुटस्टेप ज्यादा बढ़ जाते हैं कस्टमर्स, जबकि मेरे हिसाब से तो बायकॉट करना चाहिए इस वक्त को बायकॉट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फो जानो यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में जो वीडियो लेके आया हूँ वो प्राइस अपडेट के हवाले से है। तो क्योंकि मार्केट के अंदर अजीब अनसर्टेन सिचुएशन चल रही है कि कभी प्राइस जो है ना अप होने की खबर आती है और कभी पता चलता है कि प्राइस जो है वापस रिवर्स हो रही है, तो इस हवाले से आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको अपडेट करूँगा और उसके साथ साथ दो शिकायतें भी आप लोगों से हैं वो भी मुझे कर रही हैं। पहली तो ये है कि देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं वीडियो के अंदर कि आप प्राइस वगैरह नहीं बताते। देखें प्राइसेस वगैरह तमाम चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं वीडियोस के अंदर ना, अगर आप मुकम्मल वीडियोस की देखेंगे तो बाकायदा नीचे टैब आ रहे होते हैं कि हमने तार कितने में परचेज़ की, हमने पैनल कितने में परचेज़ किए, हमने बैटरी कितने की परचेज़ की, सिस्टम के ऊपर कॉस्ट कितनी आई है। इंस्टॉलेशन चार्जेस ना बताने की वजह जो होती है वो ये होती है कि वो साइड टू साइड वेरी करते हैं कि साइट विज़िट करने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि हमने विज़िट चार्जेस क्या लेने हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसका ना। तो वीडियो मुकम्मल देखा करें, पूरी डिटेल वीडियो के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, और दूसरी शिकायत आप लोगों से ये है कि चैनल एनालिटिक्स जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जी 70% ऑडियंस ऐसी है हमारी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और वो वीडियो देखती है। तो मेरे भाई चैनल अच्छा लगता है, वीडियोज़ देखते हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि ये कि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो कंटेंट अगली दफ़ा जब हम बनाएंगे तो वो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस ये दो शिकायतें थी आपसे, बाकी इंशाल्लाह आपको आज मैं जिलानी सोलर्स पे मौजूद हूँ। अच्छा, ये प्राइस अपडेट की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये कराची से दे रहा हूँ आपको, मेन सदर की मार्केट से, जो पूरी सोलर की मार्केट है, सरमट रोड कहलाता है। तो आप लोग आज की डेट पे सोलर पैनल्स आपने क्या कितने में परचेज़ किए हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताइएगा और अपने सिटी का नाम लाजमी लिखिएगा ताकि ये कि जो देखने वाले ऑडियंस है उसको भी आइडिया हो सके कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सोलर पैनल की क्या प्राइसेस। मैं जो आपको अपडेट कर रहा हूँ वो कराची से कर रहा हूँ। तो आज मैं मौजूद हूँ जिलानी सोलर्स के ऊपर, तो यहाँ के जो ऑनर हैं हुज़ैफ़ा, आज उनसे हमने टाइम लिया है तो इंशाल्लाह आज उनके साथ बात करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सलामुअलैकुम, कैसे हैं ज़फ़र भाई? खैरियत से हैं? शुक्र, आप सुनाएं हज़रत, कैसी तबीयत? बस दुआएं आपकी फर्स्ट क्लास। सर क्या चल रहा है मार्केट में, कभी रेट ऊपर हैं कभी नीचे हैं? ये मार्केट का भी जो है बहुत अनस्टेबल है और ब्लफ बहुत चल रहा है इम्पोर्टर्स की वजह से, जो आजकल के हालात हैं डॉलर और एलसी जो ऊपर नहीं हो रही, इस वजह से इम्पोर्टर ने अपने पास माल स्टॉक कर लिया। अच्छा। उसके बाद उसका ब्लफ करके रेट बढ़ाया 20-20 रुपये ऊपर, 10-10 रुपये 15-15 रुपये ऊपर फ़र्क दिया। मगर ये कि अब ये कि एलसी थोड़ी सी ओपन हुई है और डॉलर के रेट थोड़े नीचे आए तो अभी जो है क्या बोलते हैं थोड़ा सा मार्केट नीचे आई है। अच्छा, असल वजह एलसी की ही बनी थी क्योंकि डॉलर में तो इतनी ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन हुई नहीं, 2-3-4 रुपये का फ़र्क पड़ रहा था, तो उससे ज़्यादा जो पैनल के हिसाब से जो रेट बढ़ रहे थे कि एकदम ही मतलब डेली बेसिस की बुनियाद के ऊपर 5-5, 6-6 रुपए इंक्रीज हो रहे थे, वो यही था कि माल स्टॉक कर लिया गया था, फिर उसके बाद जो है इंपोर्टर जो अपने रेटों पर बेच रहे थे, मतलब इसमें कोई बैकएंड कोई वो यूनिटी नहीं थी, बस अपने अपने रेट जिसको जो समझ में आ रहा उस हिसाब से बेच हिसाब से कर रहा था, जिसका अपना माल है वो अपने हिसाब से बेच रहा था। पर अभी जो है फिर थोड़ी सी नीचे रिवर्स हुई है मार्केट, ये तो चल रहा है मार्केट के अंदर, 2 हफ्ते अप होती है 2 हफ्ते डाउन होती है, 2 हफ्ते अप होती है 2 हफ्ते डाउन होती है, ये तो चल रहा है मार्केट। असल में कस्टमर थोड़ा सा ना फिर कंफ्यूज हो रहा होता है ना कि यार हम परचेजिंग करें नहीं करें।
अब अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई तकरीबन एक हफ्ता पहले जो प्राइसेस एकदम इंक्रीज होना शुरू हुई, तो कस्टमर का एकदम फ्लो आ गया मार्केट में कि यार पता नहीं ऐसा नहीं हो कि वही आज से कोई डेढ़ साल पहले की हम बात करें कि वो 125 रुपये पर वाट के ऊपर पैनल चला गया था। कस्टमर कंफ्यूज हो गया है, बेसिकली ये हुआ है। जैसे मार्केट थोड़ा सा अप होना शुरू हो जाती है, कस्टमर फ्लो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, फुटस्टेप ज़्यादा बढ़ जाते हैं कस्टमर्स, जबकि मेरे हिसाब से तो बायकॉट करना चाहिए उस वक्त को, इस वक्त को बाइकआउट करना चाहिए। और जब नीचे जा रहा होता तो कस्टमर उसमें भी कंफ्यूजन है कि हाँ, और मजीद नीचे हो जाएगा, मजीद नीचे होगा, मजीद बेस्ट हो जाएगा तो फिर हम और ले लेंगे, और ले लेंगे। बट नहीं, मैं तो खैर अपने ऑडियंस को भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि भाई आप इस चीज़ को नहीं देखें कि और मजीद नीचे जाएगा, जो रेट आज का चल रहा है आप उसको परचेज करें और अपना सिस्टम लगवाएं, ताकि ये कि आगे जो आपके बिल के मसले हैं और दूसरा जो आपकी लोड शेडिंग के मसले हैं उसमें भी तो आप देखें ना फायदा उठाएंगे आप। यही अभी जैसे अब बेस्ट टाइम है कि अभी आप परचेज करो, परचेज और सिस्टम वगैरह जो है वो लगाओ, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि इसमें भी आपको रेट भी बेस्ट मिलेंगे और आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो अगले आने वाले जो सीजन है, जैसे आपका गर्मियों का, गर्मियों का आपको फिर बिल की प्रॉब्लम नहीं होगी और अभी से आप प्रिपेयर होंगे। सही, तो हुज़ैफ़ा भाई क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं, तो कुछ हमारे ऑडियंस को अपडेट करेंगे जरा। हर पैनल का भी डिफरेंट रेट चल रहा है, जैसे कि अभी जिनको एंटर है उसका रेट हो गया है 65-66 रुपये पर जीशा गया, रिटेल रेट है 65 रुपये पर वाट, 66 रुपये पर वाट, जिसकी आप अगर अभी कॉस्टिंग लगाओ 580 वाला है तो 580 बनता है, अगर आप 66 रुपीज़ पर वाट से भी लगाते हो तो 38,280 रुपये का बनता है। ये एन टाइप की बात जी, एन टाइप है जिनको का लेटेस्ट वर्जन है, टाइगर नहीं हो। ठीक है, और इसके अलावा P टाइप जिनको का P टाइप चला गया है 56 रुपीज़ पर वॉट पे, 56 रुपीज़ को भी अगर आप लो और 550 से मल्टीप्लाई करो तो ये 30,800 रुपये का P टाइप पड़ता है। अभी भी रेट है मुनासिब है कि मतलब सिस्टम मतलब की तरफ नीचे, नीचे आए हैं। पहले तो एन टाइप का रेट चल रहा था वो 74, आप मल्टीप्लाई करो 580 को, 580 वाट की प्लेट है पर वाट 74 चल रहा था, तो ये तकरीबन 42,000-43,000 के ऊपर प्लेट चली गई, प्लेट चली अभी ये 36-37 पे आई है, तो यानी कि 4-5,000 रुपये अभी नीचे आए हैं, नीचे आए हैं। तो ये सिस्टम में फायदा देते हैं, 12 प्लेटों का सिस्टम है, कभी कभी 18 प्लेटों का सिस्टम है, तो फिर उसमें अच्छा खासा फर्क आ जाता है, 1,00,000 रुपये का 80,000 रुपये का इसमें फर्क आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से ब्रांड्स हैं आपके पास? जे पड़ा हुआ है, राइजन है और एवरी ब्रांड, सब तकरीबन ब्रांड हमारे पास अभी पड़े होते हैं। जे की क्या कॉस्टिंग है? जे अभी इस वक्त आपको मिलेगा 59 रुपीज पर वॉट के अंदर, 58-59 रुपीज का, और वो भी 545 भी और 550 भी है। इसमें बायफिशियल भी अगर आप बोलोगे तो बायफिशियल भी अवेलेबल है मेरे पास। अच्छा ठीक, वो भी तकरीबन सेम कॉस्टिंग पर है। और हाइमो 6 का आजकल बड़ा वो चल रहा है, हाइमो 6 क्योंकि मार्केट में थोड़ा शॉर्ट था तो इस वजह से उसके भी रेट अप हुए थे, मगर उसके भी रेट अब नीचे आ गए हैं, तो वो भी तकरीबन 62-63 पर वॉट पे कॉस्ट कर रहा है, 63 पर वॉट पे। ठीक है, अच्छा जिनको डबल ग्लास भी सुना है मैंने मार्केट में आया हुआ है, डबल ग्लास भी आया हुआ है मगर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं आपके है, पास नहीं मेरे है पास सिर्फ अभी जिनको एन टाइप है और पी टाइप, इंशाल्लाह कोशिश है। अच्छा, राइजन का क्या रेट है? राइजन एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़ा सा कम है, वो 57 रुपीज पर वॉट पे अवेलेबल है, 550 वॉट। अच्छा, राइजन भी टीयर 1 कैटेगरी का है? जी जी है, सब टीयर 1, सारे टीयर 1 के अलावा काम ही नहीं है, और डॉक्यूमेंटेड पैनल, सारे डॉक्यूमेंटेड होगा, सब पैनल्स की 10 साल वारंटी है, 10-12 साल वारंटी है, 25 साल लाइफ है, 25 साल। अगर कोई बोले भी ना आके कि यार मुझे बी ग्रेड चाहिए तो भी नहीं देंगे, नहीं काम देंगे, ही नहीं करना। सही नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, पैनल हमेशा ओरिजिनल लें ताकि उसकी एफिशिएंसी आपको बहुत अच्छी मिले। अच्छा, इसके अलावा इन्वर्टर्स वगैरह की भी कुछ हमें प्राइस अपडेट कर दें, इन्वर्टर में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं, अभी सबसे बेस्ट जो चल रहा है ऑन ग्रिड, वैसे दिखा दें जरा मुझे, हमारी ऑडियंस को भी जरा थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, ऑन ग्रिड भी मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऑफ ग्रिड भी इन्वर्टर्स हैं, क्या है? ऑन ग्रिड में सबसे बेस्ट अभी चल रही है ग्रोवाट के सारे इन्वर्टर्स हैं, जिसके अंदर 10, 20, 15, 30 ऑन ग्रिड है सारे, सारे ये 10 से लेकर 30 तक अभी तकरीबन सारे अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, सबकी अलग अलग प्राइस है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे लाए करते हैं, सबसे बेस्ट इन्वर्टर है, 5 साल वारंटी के साथ है, लोकल वारंटी इधर क्लेम हो जाती है और उसमें कंप्लेन रेशो 0% आई थी, 0% है अभी तक तो नहीं है, एक आध आई होगी तो आई होगी, इसके अलावा नहीं है। अच्छा, इसके 5 kW के अभी रेट चल रहे हैं तकरीबन 2,45,000 रुपीज़ चल रहे हैं, और 10 kW के जो इसके रेट चल रहे हैं वो तकरीबन चल रहे हैं अभी 2,65,000 2,65,000 रुपीज़। फिर आ जाए 15 kW, तो 15 kW तकरीबन अभी चल रहा है 3,25,000-3,30,000 अप्रॉक्स इतना चल रहा है। उसके बाद 20 kW है, तो 20 kW जो इसका चल रहा है तकरीबन अभी जो लाया करता है वो पड़ता है 4,20,000-4,15,000 सही। ठीक है, फिर उसके बाद 25 किलो वाट तकरीबन भी लाया कर रहा है तकरीबन 4,00,000
35,000, 4,40,000, 4,35,000, उसके बाद फिर आता है 30 किलोवाट, 5,60,000, 5,55,000 इस तरह से। उसके बाद हमारे पास ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम पड़े हैं जिसके अंदर ग्रोवाट बिल्कुल है, उसमें ग्रोवाट में दो मॉडल्स हैं इसके, एक IP21 है और IP65 है। ये है ग्रोवाट का IP21 मॉडल, सही है। अच्छा। ये IP21 मॉडल है ग्रोवाट का, इसके अंदर IP65 भी अवेलेबल है, IP21 है। ये IP21 आपको पड़ता है, कॉस्ट करता है तकरीबन 2,20,000 रुपए का, और IP65 जो कॉस्ट करता है वो 3,25,000 रुपए का, 3,20,000-3,25,000 के अंदर रिलाय करता है। उसके बाद ये 40 आता है, हाँ ये IP65 मॉडल है, ये भी बेस्ट क्वालिटी है, ये अवेलेबल है तकरीबन अभी 3,00,000 और आपका लगभग करीब 25,000 रुपये में, 3,20,000-3,25,000 के अंदर वेरी करता है। ये बेस्ट क्वालिटी है और ग्रोवाट बैक है, दोनों इंटरनेशनल कंपनीज हैं और इंटरनेशनल ही वारंटी में तो कोई मसला नहीं होता। नहीं 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 नहीं, इनके अंदर यार क्लेम्स भी नहीं आते, ये चीज ऐसी है कि इनमें क्लेम्स भी नहीं आते। इसके अलावा फिर इनवेक्स आता है, जो इनवेक्स के IP65 नजर आ रहा है मुझे, IP65 इनवेक्स के ये सबसे बेस्ट चल रहे हैं, 6 किलोवाट है या 8 किलोवाट, ये दोनों बेस्ट चल रहे हैं इसके अंदर। 6 किलोवाट अभी ये 6 किलोवाट के रेट है अभी तकरीबन 3,50,000-3,50,000 रुपए हैं, और नाइटॉक्स 8 किलोवाट के 4,75,000 रुपए हैं। इसके अंदर दो और आते हैं मॉडल जो भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बट मिल जाएंगे, 3 किलोवाट और 12 किलोवाट। 3 किलोवाट जो आता है वो तकरीबन 2,25,000 तक का वेरी करता है, और 12 किलोवाट एक एक्सेप्शनल बॉडी और एक्सेप्शनल वर्क है और उसकी एफिशिएंसी भी बहुत अलग ही है, लेवल है, तो वो जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तकरीबन 8,95,000-9,00,000 रुपये का पड़ता है, क्योंकि वो हाइब्रिड और ऑन ग्रिड दोनों है, उसमें बैटरी सपोर्ट भी है और आप उसको 3-phase meter पे भी इसको ऑन ग्रिड वर्क भी करा सकते हो कराची के अंदर, किसी कराची के अंदर 3-phase के ऊपर। इसके अलावा क्राउन वगैरह के भी इन्वर्टर्स होते हैं आपके पास? क्राउन वगैरह के भी मिल जाएंगे, क्राउन वगैरह भी अभी अवेलेबल नहीं है बट ये कि मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें आते हैं दो मॉडल हैं, दो से तीन मॉडल हैं, एक है आपका 3.6 जेवियर और इसके अलावा क्राउन इलीगो 6 किलोवाट है, और इसके अंदर क्राउन नोवा 8.2 नोवा 8.2 होता है अलग ही एक पीवी के साथ अभी आ रहा है, न्यूली अपडेट मॉडल आ रहा है। अच्छा। तो जैसे इंशाल्लाह आएगा तो आपको रिवील भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह। ठीक है, बैटरीज के बारे में भी बताएं जरा। बैटरीज में लिथियम की भी और टॉल ट्यूबलर की भी। बैटरीज में हमारे पास अगर टॉल ट्यूबलर में आप बात करें तो सिर्फ ये भी एक ही ब्रांड है और एक ही क्वालिटी है जो कि बहुत अच्छी चल रही है, कंप्लेन रेशो एज कम्पेयर टू अदर बैटरीज ट्यूबलर के अंदर बहुत कम है, मगर बहुत कम है। जैसे ट्यूबलर में हमारे पास TX1800 है, 185 एम्पियर है, फोनिक्स के अंदर फोनिक्स 12 ट्यूबलर है, TX1800 है, 2500 है और 3000 और वैसे 3500, लेकिन जो उसका रनिंग मॉडल है वो 1800, 2500 और 3500। ठीक है, 1800 भी चल रही है तकरीबन 47,500 की, 6 मंथ वारंटी के साथ है, और इसके अलावा जो 2500 है वो तो अभी चल रही है 61,000 रुपीज़ की, वो भी 6 मंथ वारंटी के साथ है, और फिर आती है आपकी अल्लाह भला करे 3500 तकरीबन 77,000 रुपीज़ की है, वो भी 6 मंथ वारंटी के साथ है। अच्छा, इनके भी प्राइसेस मेरे ख्याल में कम हुई है, इनकी भी प्राइसेस? हाँ हाँ बिल्कुल, इसकी प्राइसेस बहुत अप हुई हुई थी, तकरीबन 3500 चली गई थी, 85,000-86,000 रुपीज़ की, अभी ये आई है 77,000 रुपीज़ के अंदर। इसी तरह जो आपकी 2500 है वो तकरीबन चली गई थी तकरीबन 70,000 रुपीज़ के ऊपर, तो अभी जो है वो नीचे आई है 67 से 61 के ऊपर आई है, और इसी तरह जो आपकी 1800 है वो 52-53 तक लाई कर गई थी, तो फिर अब जो है वो थोड़ा सा नीचे आई है 47,500। लिथियम बैटरी यार मेरी सबसे फेवरेट बैटरी है, लिथियम में ये कि सबसे बेस्ट बैटरी जो भी ब्रांड चल रहा है वो पायलेंटेक है, 5 साल वारंटी के साथ है, नो कम्प्लेन नो इश्यूज, बस लगा के आप भूल जाओ और 8 साल तक किसी को कंप्लेन नहीं आती। अच्छा, ये 5 साल की वारंटी है इसकी, 100 एम्पियर 5,000 वाट तक की, 48 वोल्ट 100 एम्पियर की बैटरी आती है इसके अंदर, और ये पायलेंटेक US ब्रांड है, और ये है कि आपका तकरीबन 4,000-4,500-5,000 तक की वॉट्स की वो बैटरी है। इसके अलावा फिर इसके अंदर दूसरा मॉडल आता है, दूसरे ब्रांड्स आते हैं जैसे कि नराडा हो गया, SCS हो गया, फिर उसके बाद क्राउन हो गया, तो अगर पायलेंटेक के बाद बात करें तो फिर उससे नराडा आती है, नराडा मिल जाएगी, नराडा बेस्ट क्वालिटी है, उसके अंदर वो 3 साल वारंटी के साथ है, उसकी भी लाइफ 6-7 साल क्लेम करती है कंपनी, और कंप्लेन रेशो समझ लीजिए 0.5%। रेट क्या है दोनों का, पायलेंटेक का भी बताएं और उसका भी? पायलेंटेक का रेट है 4,90,000 रुपीज़, और नराडा का आप देखेंगे तो 4,40,000 रुपीज़, नराडा और पायलेंटेक में थोड़ा सा कम रेटों में फर्क है, डिफरेंस। अच्छा, इसमें एक और ब्रांड भी आ रहा है कुछ, क्राउन ब्रांड आ रहा है, क्राउन के नाम से आ रहा है, क्राउन जो माइक्रो आपको जिसे मैंने इन्वर्टर बताया एलिगो और नोवा, तो उसी कंपनी का लिथियम बैटरी आ रही है, वो भी 3 साल वारंटी के साथ है, वो भी 4,500 वाट तक की है, और उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 3,70,000 रुपीज़ है, उसके अंदर भी कंप्लेन इश्यूज नहीं है। ये जो तीन ब्रांड मैंने आपको बताई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ब्रांड अभी रिलायबल है,
और मेरा फेवरेट पैलेंटेक है, मैं पैलेंटेक पे भरोसा रखता हूं, उसकी रिजल्ट ही बहुत जबरदस्त है। कंप्लेन इशू नहीं है अब तक, परेशान नहीं किया तकरीबन यार, जब से बैटरीज आई हैं 4 साल या 5 साल हो गए, काफ़ी बैटरीज लगा सके, कोई अब तक कंप्लेन नहीं है, क्लेम में भी नहीं है, कंप्लेन में भी नहीं है। सही है, ठीक है सुदर्शन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारी ऑडियंस को अपडेट किया। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चीज़ ऐसी रही है, तमाम वैरायटी हर चीज़ आपको पैनल्स की, इन्वर्टर्स की इनके पास मिलेगी। मैं इनका नंबर भी इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो मुझे और उज़ैफा भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, किसी नए प्रोजेक्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू सो मच।